मिस्टर बी, आई थिंक हाइड एंड सीक का गेम शुरू होने वाला है. हमें देबू और विवान की नजरों से बचना होगा, लेकिन कैसे? पंडित जी, मेरा हाथ देख के बताइए ना कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा. तुम्हारी हस्तरेखा को देख के पता चलता है कि तुम्हारा जीवन साथी ये बनेगा. वाओ. नहीं नहीं कन्या, आप गलत सोच रही है. बिना कुंडली देखे ये बताना गलत होगा. वैसे पंडित जी, मैंने सुना है कि ग्रह शांति की पूजा के बाद फैमिली मेंबर्स को 12 घंटे तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए. बिल्कुल सही सुना है श्रीमान. इस परिवार के सदस्य को ग्रह शांति के बाद 12 घंटे तक घर में ही रहना है, अन्यथा अनर्थ हो सकता है. इससे भी मैंने करुणा जी के मन में डाउट का सीट डाल दिया. आई थिंक वी शुड लीव नाउ, बाकी का काम वो सीट कर लेगा. अरे आप लोग जा रहे हो? हमने सोचा कि पूजा हो गई, हमने प्रसाद भी खा लिया, तो अब हमें चलना चाहिए. लेकिन आप लोगों ने आकर मेरा मन प्रसन्न कर दिया. बेबू मैं, मुझे तो लग रहा था कि प्रिंसिपल अखाड़ी वाले यहाँ से भागने की कोशिश करे होंगे, लेकिन ये तो एकदम रिलैक्स होकर खड़े हैं. लेकिन विवान, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे इन्होंने पूजा में आके डबल ग्लव किया है, वैसे ही ऐसे रिलैक्स की एक्टिंग करके डबल ग्लव कर रहे हो. पॉसिबल. अब तो इनका डबल ग्लव पकड़ने के लिए हमें एक बार इनके हाथ की मौली का कलर चेक कर लेना चाहिए कि उसका कलर ग्रीन हुआ है कि नहीं. चलिए. कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? लंच करने जा रहे हैं. सुबह से उपवास चल रहा है ना हमारा. हाँ, इसलिए. हाँ, पेट के अंदर तो चूहे डांस करते करते बेहोशी हो गए, इसलिए लंच करने जा रहे. कहीं नहीं जा सकते तुम दोनों, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि पूजा के 12 घंटे तक कोई भी फैमिली मेंबर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए. अपशगुन हो जाएगा. अब तुम्हें जो भी लंच वंच करना है ना, चलो घर के अंदर करना. लेकिन माँ, हम नो. लेकिन लेकिन विवान, चलो चलो. हेलो, चलो तुम भी. लेकिन माँ, लेकिन सही कहते हैं लोग, माँ के प्यार और माँ के डर से बड़ी कोई जंजीर नहीं होती. चलो. मुझे कोई लोड नहीं है, मैं तो आज एलिमिनेशन राउंड में हुई नहीं. आप तो निकल निकलिए निकलिए निकलिए. चलो और दो जिलेबियां खा ही लेता. तुम लोगों को जो भी खाने पीने के लिए चाहिए ना, यही इसी रूम में मिलेगा. अगले 12 घंटे तक कहीं बाहर नहीं जाना तुमने. अरे हम, अरे माँ, इस फैमिली के मेंबर तो आप भी हैं, दादाजी भी हैं, तो आप लोग कैसे बाहर निकल सकते हो? बोलो नहीं, सुनो. ये ग्रह शांति की पूजा तुम दोनों के सर पर आई मुसीबत को टालने के लिए रखवाई थी. कल रात पार्टी में झूमर गिर गया था इसके सर पर, भूल गए क्या? इसीलिए 12 आवर्स के लिए तुम लोग इसी रूम में लॉकडाउन में रहने वाले हो. गॉट इट? विवान, अब हम क्या करेंगे? वो हमारे सस्पेक्ट हमारे नाक के नीचे से निकल जाएंगे. हम यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा. फिक्र ना भैया, आप बस 5 तक गिनती कीजिए. 5 तक? लेकिन क्यों? क्योंकि तब तक माँ और अनन्या दीदी यहाँ से निकल जाएंगे, फिर हम लोग भी निकल लेंगे. एक, दो, तीन, चार, पांच. पांच तक काउंट कर लो, चाहे 50 तक काउंट कर लो, लेकिन अगले 12 घंटे तक तुम दोनों यहां से हिल नहीं सकते, समझे? डब्बू, तुम तो बड़े हो ना? हाँ.
रिस्पॉन्सिबल भी हो ना? हाँ। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी और विवान के ऊपर मुसीबत आ जाए? नहीं ना? नहीं। तो यहीं रुको। बाय। अब क्या करें भैया? अगर वो दोनों भारत नगर से निकल गए तो? मिस्टर बी, विवान से तो पीछे छुड़ा लिया हमने, लेकिन इस थ्रेड से किसे पीछे छुड़ाएंगे? सब्र रे सब्र। अरे भैया, आपको नहीं लगता कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए? क्योंकि वैसे भी मैं तो पूजा की तैयारी करते हुए बहुत ही थक गया हूँ। तो भैया एक काम करते हैं, हम दोनों ना सो जाते हैं। चलिए। हाँ विवान, मेरे बॉडी में भी ग्लूकोज की बहुत कमी हो गई है, मैं भी सो जाता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट भैया। क्या हुआ बच्चों, स्लीप वॉकिंग कर रहे थे? अब कहीं तुम लोग स्लीप वॉकिंग करते करते बहुत दूर ना चले जाओ, इसीलिए आंटी, शैल वी? यस वी शैल। अरे भैया भैया रुको। अरे लेकिन अरे ये रस्सी क्यों? अरे माँ ये रस्सी, आप खड़े रहो। अरे अरे थोड़ा तो लूज कर दो। माँ नहीं चाहेंगे बाहर पर। चुप। अरे चुपचाप खड़े रहो तुम दोनों। लगता है उस विवान ने हमें थ्रेड नहीं हैंडकफ्स पहना दिए। जैसे लोहा लोहे को काटता है, लगता है इस जादुई मौली को काटने के लिए जादू की जरूरत पड़ेगी। ये रही घंटी, कुछ अर्जेंट हो तो बुला लेना। लेकिन माँ, सॉरी सॉरी। गाइस, से चीज। क्या हुआ गाइस, थोड़ा हंस भी लो ना। विवान, आई नो तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम अपने मैजिक से इस रस्सी को काट दोगे। अरे वाह, व्हाट एन आईडिया अनन्या। शट अप डब्बू। विवान, अगर तुमने ऐसा करने का कुछ भी ट्राई किया तो मैं करुणा आंटी को बता दूंगी कि तुम ही बालवीर हो। व्हाई दीदी व्हाई? व्हाई नॉट विवान, व्हाई नॉट? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आए। सो स्टे सेफ, से चीज। अरे बाय। विवान, मैंने सोचा था कि प्रिंसिपल अगाड़ी और रे को हम मौली के जाल में फंसा लेंगे, लेकिन हम तो खुद ही माँ की ममता के जाल में फंस गए। भैया, नेक्स्ट 30 मिनट्स में उन दोनों के हाथ जलने लगेगी, अब क्या करें? विवान, हमें माँ से छुपकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उन लोगों का हाथ जल जाएगा तो वो हमसे छुपा थोड़ी ना पाएंगे। हा? लेकिन देवो भैया, हमें शिंकाई वालों की शक्तियों का जरा सा भी अंदाजा नहीं है, हमें थोड़ी ना पता कि कल तक अगर वो अपने मैजिक से अपने जले हुए हाथ को ठीक कर लेंगे तो। यस यू आर राइट विवान। अरे अरे भैया क्या कर रहे हो? सॉरी सॉरी।
भैया और तो और हम अपने मैजिक यूज करके भी यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि अनन्या दीदी पूरी धमकी देने वालों में से नहीं है। अगर हमने मैजिक यूज किया और हम यहाँ से निकल गए तो डेफिनेटली अनन्या दीदी माँ को सब कुछ चट चट बता देंगी। वो तो है यार। मैं आपको अपने दिल की गहराई से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपके पैर किधर हैं? इस बात का थैंक यू मैडम जी। आपकी वजह से निवान घर में सेफ है ना, इसलिए। ये तो मेरा कर्तव्य था। आशीर्वाद दीजिए पंडित जी। अरे 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 पंडित जी, आप रिवर्स में रिवाइंड क्यों हो रहे हो? एक मिनट, मैं भी करके देखता हूँ। अरे पंडित जी, आप माइकल जॉक्सन की तरह मूनवॉक क्यों कर रहे हो? अरे बैड, आई एम बैड, ओ स्वा, अरे बैड, आई एम सही। अब मैं समझी, समझा। पंडित जी, कोई एक्शन रिप्ले नहीं चला रहे, कोई जादू का डंडा घुमा रहा है। करुणा जी, मैं अपनी उल्टी गलती को सीधा करने के लिए उल्टे पैर वापस आया हूँ। लेकिन आप मुंह छुपा के बात क्यों कर रहे हैं पंडित जी? लज्जा से देवी, लज्जा से। मैंने ग्रह शांति की पूजा तो कर दी, लेकिन ग्रह दिशाओं का गुणाभाग करने में गलती कर दी। मतलब? मतलब आपके परिवार के सदस्यों को 12 घंटे नहीं 12 मिनटों तक घर पर रहना था। 12 मिनट कब के बीत चुके हैं, इसलिए आपके परिवार के सदस्य को इस पिंजड़े में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं चला। ये पंडित जी भी ना। हाँ? ओ क्या सत्यानाश! अब करुणा जी विवान को आजाद कर देगी, जबकि स्वामी और रे जादुई मोले के साथ आजादी की लड़ाई लड़ रहे। मिस्टर बी, आई हैव एन आइडिया, इट मे वर्क। क्या आपके पास लाइटर है? भैया मेरे पास एक आइडिया, जिसकी मदद से कम मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। कैसे? अब हमें टूबा डूबा को बुला लेना चाहिए। हाँ, टूबा डूबा। भैया हम क्या करें? कौन डूब गया? किसकी बात कर रहे हो तुम दोनों? माँ, मैं तो ये कह रहा था कि मैं तो शर्म से डूबा डूबा जा रहा हूँ। हाँ, वो आपको बिना बताए हम लोग भागने का सोच रहे थे ना, इसलिए हम लोग शर्म से डूब रहे थे, और कुछ नहीं। भूलो नहीं, सुनो, तुम्हें शर्म से डूबने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पंडित जी ऑलरेडी शर्म से डूब चुके हैं। पंडित जी? हाँ, अभी आए थे और उन्होंने बताया कि पूजा के सिर्फ 12 मिनट तक ही किसी को बाहर नहीं निकलना था, लेकिन गलती से उनके मुंह से 12 घंटे निकल गया। मतलब अरे भैया, अरे क्या कर रहे हो? सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, जा सकते हो। रुको, ये मैजिक कैसे हो गया भैया? तुमने नहीं किया ये मैजिक? नहीं। अच्छा, खैर जो भी हो, अब हम जाकर फ्रिज से पलघाड़ी और रे को चेक कर सकते हैं। Mr. B.
ये क्या हो गया? इस जादुई मौली पे आग की शक्ति का भी कोई असर नहीं हो रहा है। लगता है विवान का जादू बड़ा ही मजबूत है। क्या हो गया मिस्टर? लगता है हमारे हाथों को जलाकर ये मौली अपना असली जादू अब दिखा रही है। स्वामी, ये क्या? मेरे बुरी खबर देने से पहले आप दोनों चिल्लाने लगे? अब फिर से कौन सी बुरी खबर लेके आए हो ब्रिगेंजा? पंडित जी पर जादू चला के विवान ने 12 घंटे का लॉकडाउन 12 मिनट का कर दिया है, और वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है। हमारे पास बहुत कम समय बचा है विवान, हमें तुरंत कॉलेज जाना चाहिए। बिना विवान, अरे क्या हुआ विवान, वहाँ क्यों रुके? चलो भैया, आखिर पंडित जी वापस आए कैसे? क्योंकि मैंने तो कोई मैजिक नहीं किया था। और अगर बालपरी ने कोई मैजिक किया होता तो वो अभी यहाँ होती। हाँ वो तो है। अब लेकिन विवान, ऐसा भी तो हो सकता है कि सच में पंडित जी ने 12 मिनट की जगह 12 घंटे बोल दिया हो गलती से। हो सकता है, लेकिन उस दिन माँ के ऊपर किस मैजिक का साइड इफेक्ट हुआ था कि वो अचानक से दुर्गा माँ बन गई थी? और तो और, क्वारंटीन सेंटर में मैंने आपकी मैजिक की ट्रेनिंग कब खत्म कर दी मुझे पता ही नहीं चला। विवान, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया, मैं ये सोच रहा था कि आप अभी भी ट्रेनिंग पीरियड में, लेकिन फिर भी शेंकाई वाले सस्पेक्ट्स को पकड़ने के लिए आप हमेशा मेरी मदद करते हैं। वो विवान, भैया सरप्राइजिंग बात तो ये है कि इस डेंजरस काम में बालपरी भी आपका साथ दे रही है। विवान, अब ये सब इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना? भैया आपको नहीं लगता कि आजकल कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक हो रहा है? अब वो विवान, लगता है अब तुम्हें सबको सच सच बताने का समय आ गया है विवान। ये सब जो तुम्हें खटक रहा है ये सब सच है विवान। मेरी शक्तियां कभी नहीं गई थी और मेरी याददाश्त भी। नकाबपोश कोई और नहीं, मैं ही हूं। विवान, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आखिर क्या बताना चाहते हो? विवान, तुम बिना नाश्ता किए अपनी मॉम की हेल्प कराने निकल गया ना? विवान, मैंने बार बार कई बार तुम्हें सच बताने की कोशिश की, लेकिन जितनी बार भी मैं कोशिश करता था हमेशा यही लगता था कि अभी सही समय नहीं आया है। और इसलिए मैं तुम्हें यही कहना चाहता था कि मैंने जो भी किया वो सब जरूरी था।
गुस्सा हो। नहीं नहीं, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, मैं ही आपका पार्टनर हूँ, लेकिन आपने मुझे ही इतने दिनों तक कुत्ती बताया, ये तो खुश होने वाली बात है, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात। मतलब तुम मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो, लेकिन विवान मेरी बात समझने की कोशिश। रहने दीजिए भैया, मैं तो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा हूँ, मुझे आपकी बड़ी बड़ी बातें कहाँ समझ आएगी, रहने दीजिए। विवान देखो, विवान तुम्हें नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन इसका फायदा हमारे सस्पेक्ट्स को नहीं मिलना चाहिए। आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वेरी गुड। इतनी जल्दी कट्टी से बट्टी नहीं हो सकता मैं, मेरे भी इमोशंस हैं। हमें मिलसा के बनाए हुए खुफिया रास्ते से शिंकाई चले जाना चाहिए, वहां जाकर हम किसी न किसी तरीके से इस मौली से छुटकारा पा लेंगे।